अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सूबी और आप देख रहे हैं जी मीडिया जी। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है एक बस होस्टेस। एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल होने के बाद बहुत जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन जॉब ना मिलने की सूरत पर इसे मजबूरन बस होस्टेस की जॉब करनी पड़ी। और हमारे सामने बहुत सी बातें आई कि बस होस्टेस की जॉब लड़कियों के लिए सेफ नहीं है एंड ETC एक्सेट्रा। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना हम यही बात इनकी जुबानी पूछे, क्योंकि मैं एंकर हूँ तो मुझे एंकरिंग का तजुर्बा है, ये बस सोचते हैं तो नहीं बस सोचते होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह आप बस होस्टेस की जॉब किस तरह मिली, आप किस तरह आए थे यहाँ पे? देखिए, मैंने पहले बहुत मतलब जॉब्स ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि जितनी मेरी तालीम थी और एज थी तो मैं कुछ अच्छी जॉब करना चाह रही थी, तो मैंने बहुत ही मतलब कोशिश की, लेकिन जहाँ पे भी मैं जॉब के लिए जाती थी ना तो उनकी कुछ अलग ही डिमांड होती थी, जिसकी वजह से मैं ये जॉब नहीं कर पाई। और फिर मुझे ये भी बड़ी मतलब मुश्किल से ये जॉब मिली है, तो घर के हालात देख के तो मजबूरी की वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ी। अच्छा, तो अब हम इस जॉब पे बात करें, आप माइंड तो नहीं करेंगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ओपनली करूं? अच्छा, तो सवाल मेरा ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये फिर लड़कियों ये जॉब खास तौर पे लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, तो आपकी इस पे क्या राय है? हाँ, देखें, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन आपको ना मतलब ये इस तरह का काम है कि आपको अपनी हिफाजत जो है ना वो खुद करनी पड़ती है। कुछ लोग मतलब पढ़े लिखे समझदार होते हैं जो कि मतलब उनको पता होता है कि अगले बंदे की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, मतलब वो अगले बंदे को हैंडल करना जानते हैं। और कुछ लोग जाहिल होते हैं जिनको लड़की देखते ही पागल हो जाते हैं और बार बार मतलब वो बैल देते रहते हैं, कुछ लेना देना भी नहीं होता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी इस तरह का वाकया और किसी पैसेंजर ने बदतमीजी की हो क्या? हाँ, ये बहुत दफ़ा हो जाता है, मतलब बहुत दफ़ा लड़के और लड़कियों को देख के इस तरह से पागल हो जाते हैं और बदतमीजी छेड़ तंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अपने आप को खुद मतलब अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है कि आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। तो अक्सर ये सुनने को आता है कि जो लड़कियाँ आई हैं कि वी आर इन लाहौर, अभी हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो हमारी लाहौर की लड़की अगर साहिवाल जाएगी तो वहाँ पे उनको कहाँ ठहराते हैं? अक्सर बहुत सी ये हमने सुना है कि लड़कियों को वहाँ जाकर भाई कहीं नाइट होटल्स में ठहराते हैं और उनके साथ वहाँ पे 100 किस्म के वाकयात हो जाते हैं, तो क्या ये बात सच है, क्या वो लोग अपनी अलग प्लेस देते हैं या ये सही है जो सुनने में मेरे आया? मतलब मेरे साथ तो आज तक इस तरह से नहीं हुआ, हो सकता है ये होता भी हो, लेकिन जो मेरा है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं कभी इस तरह से जाती हूँ ना ही मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसकी क्या सैलरी पैकेज होता है, किस तरह होता है ये? पर डे होता है, आप अगर सियालकोट गाड़ी जा रही है ना तो आपको 3000 मिलेगा और अगर ये साहिवाल जा रही है तो आपको 1500 मिलेगा। अच्छा, तो ये रूट के हिसाब से? हाँ जी, ये रूट के हिसाब से, एक दिन में आपने जितने रूट कर लिए उतने पैसे। हाँ जी। तो आपकी फैमिली को पता है कि आप ये जॉब कर रहे हैं, फैमिली से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? नहीं, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे थे, घर का सारा मतलब मैं ही कर रही हूँ, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये मजबूरी है, मैं भी मजबूरी में कर रही हूँ, शौक से तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, तो ये मतलब मजबूरी में जॉब कर रही। अच्छा, हम आप मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आप बस होस्टेस की जॉब आगे करेंगी या कहीं और भी कुछ? देखिए, अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन अभी तो मजबूरी के तहत ये जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। अच्छा जी, माहम आप कोई पैगाम हमारी नौजवान नस्ल के लिए देना चाहती हूँ हमारे चैनल के तवज्जो से? तो मेरा तो यही पैगाम है कि ये जॉब मतलब अगर जो भी करने लड़की करना चाहे ना तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, इस जो पढ़े लिखे समझदार होते हैं उनको पता होता है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, लेकिन कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि मतलब उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरा तो यही है कि अपनी हर कोई हिफाजत में रहे। जी, तो नाज़रीन, अपनी हिफाजत आप, अपनी मदद आप, ये अपनी हिफाजत आप। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके माहम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी उम्मीद, मैं दुआ करती हूँ आपको जल्दी कोई जॉब मिल जाए और आप बस होस्टेस की जॉब से आज़ाद हो जाएं। तो सभी नई आने वाली गर्ल्स को बस किसी भी शोबे पे, सिर्फ बस होस्टेस नहीं, चाहे वो एक्टिंग है, एंकरिंग है, चाहे वो पार्लर की भी जॉब है, जिसमें आपने सिर्फ लड़कियों की, लड़कियाँ भी अक्सर आपको ख़राब करती हैं, तो आपने अपनी हिफाजत आप करनी, अपनी मदद आप, आपने खुद अपने आप को सेफ रखना है तो आप सेफ रहेंगे। दूसरी रही बात ये कि आपकी होस्ट, आपकी अपनी होस्ट जूबी को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।